हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं इंडिया से कनाडा, मेरी पूरी जर्नी कैसे रही और मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस जो मैं कनाडा में था वो कैसे रहा, वो आपको आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज का इस वीडियो गाइज आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि क्या कनाडा में कैसी लाइफ होती है, कनाडा में आना क्या आपके लिए अच्छा रहेगा या फिर आपका ये डिसीज़न गलत होगा। तो आज के इस वीडियो में गाइज आप कुछ भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मेरे 2 साल का पूरा एक्सपीरियंस आपको फ्री में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो गाइज अब बात आती है कि हम जैसे भी जब भी हम स्टार्ट करते हैं कि मुझे कनाडा जाना है, तब हमारे माइंड में कुछ एक गोल होता है, जैसे कि हो गई कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि हो गया कि हमें अच्छा कमाना है, एक अच्छी स्टेबल इनकम चाहिए, इसलिए हमको कनाडा आना है। ऐसा एक पर्टिकुलर गोल हमारे माइंड में एक सेट होता है। तो अब मेरी बात थी तो मुझे भी सेम यही था कि मुझे एक अच्छी इनकम चाहिए, अच्छा एक लाइफ चाहिए। तो वो के बेसिस पे मैं कनाडा आना चाहता था। तो मैंने बीटेक किया हुआ था इंडिया में। तो आफ्टर बीटेक मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे एक स्टेबल इनकम मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे इंडिया में देखा कि कहाँ पे मुझे अच्छी जॉब मिल रही है। तो जब मैं गाइज वो पर मंथ के जो बेसिस पे वो सैलरी देते थे वो मैं जब सोचता था, तब मुझे लगता था कि इतने में तो कुछ होने वाला नहीं है। तब मैंने सोचा कि अब मुझे बाहर जाना है। तो मैंने कनाडा, मुझे अच्छा लगा तो मैं कनाडा आने का पूरा प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किया, IELTS पास किया। वो सारा सब कुछ ख़त्म होने के बाद मेरी टोटली फाइल कंप्लीट हो गई और मेरा वीज़ा भी आ गया। तो गाइज उसके बाद मैंने फ़्लाइट बुक करवाई, वो सारा। तो जैसे कि सब कुछ सब कोई करता है वैसे सारी प्रोसेस मैंने क्लियर कर दी। उसके बाद गाइज बात आती है कि मैं कनाडा में आ गया, राइट। तो गाइज मैं यहाँ पे एक मेरा फैमिली फ्रेंड था, उसके सपोर्ट से मुझे एक मीन्स मुझे कोई घर ढूंढने के लिए, अकोमोडेशन ढूंढने के लिए जाना नहीं था। बेसिस मुझे पहले से ही वो घर मिला हुआ था। तो मैं यहाँ पे आ गया, उसके साथ शेयरिंग पे मैं बेसमेंट पे रहता था। तो मैंने 6 मंथ वहीं पे बेसमेंट पे मैं रुका था। तो गाइज जब मैं कनाडा आया था इंडिया से, तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा पहला गोल था जॉब लेना, राइट। तो जॉब लेने के लिए गाइज मैं स्टार्टिंग पे जैसे कि 1 वीक हो गया था मेरा, मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी। तो मैंने क्या किया कि मैं जो मेरे नियर बाय जितने भी लोकेशन थे सब पे जाके मैंने रेज्यूमे दिया, वो सारा दिया। तब गाइज फिर भी मुझे जॉब नहीं मिली। फिर मैं गया एजेंसी के पास, एजेंसी से मैंने जॉब लिया। एजेंसी जो यहाँ पे कनाडा में क्या होता है कि जॉब एजेंसीज होती है वो आपको जॉब देती है। तो मैं जॉब एजेंसीज के पास गया, वहीं से मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिली, अच्छी नहीं लेकिन जॉब मिली, वो थी जनरल लेबर टाइप फैक्ट्री में जॉब थी। तो मैंने वो जॉब जब स्टार्ट किया तब मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा जनरल लेबर है, मीन्स मजूरी है। तो मैंने सोचा कि इस ऐसे कामों के लिए मैं कनाडा नहीं आया था, राइट। तो तभी मैंने गाइज एक डिसीज़न लिया कि मुझे ये जॉब छोड़ देना है। तो मैंने वो जॉब क्विट किया। मैंने उसके बाद गाइज मैंने जो गवर्नमेंट के तरफ से जो कोर्स चलते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट का लाइसेंस आता है जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड, उसको CPRC ट्रेनिंग बोलते हैं, तो वो मैंने किया। जैसे कि वो फर्स्ट एड ट्रेनिंग जैसा होता है, जैसे कि अगर कोई मरीज है या फिर किसी को कुछ हो जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए तो हम उसको इमिडिएटली हम मेडिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, वैसा एक कोर्स आता है, वो मैंने किया। उसके बाद मैंने मेरा जो उसका जो CPRC का जो लाइसेंस होता है वो मैंने गेन किया, उसकी एग्ज़ाम होती है वो पास किया। उसके बाद मैं घाडावल कंपनी से मेरी जॉब लगी, राइट। तो गाइज उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसमें अच्छा है। उसके बाद वहीं पे कुछ ज़्यादा काम होता नहीं था, सिर्फ हमको CCTV कैमरा वो सब देखना होता है।
तब मुझे लाइफ थोड़ी इजी लगने लगी। बट स्टार्टिंग के डेज में गाइज मुझे बहुत ही ज़्यादा मेरे पेरेंट्स की याद आती थी, इंडिया की याद आती थी। तब मुझे ऐसा लगता था कि मेरा यहाँ पे आना, जो मेरा डिसीज़न था वो गलत था। लेकिन उसके बाद जब अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरा डिसीज़न सही था, वो मैं पूरी स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज उसके बाद मेरी वो स्टेबल एक इनकम भी होने लगी, मैंने फीस भी पे किए उसमें से। उसके बाद गाइज क्या हुआ कि मेरी स्टडी भी चल रही थी, मेरा एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका था, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी थी। तो मैंने क्या किया, मैं जो मेरी वाइफ थी जो इंडिया में, तो उसको मैंने स्पाउस के बेसिस पे गाइज यहाँ पे उसको इनवाइट किया। स्पाउस की पूरी प्रोसेस कैसी होती है उसका भी एक वीडियो मैं आपको अलग से बना के इस चैनल पे दे दूँगा। तो गाइज आपको ऐसे ही कनाडा के रिलेटेड जितने भी वीडियोस चाहिए कि कैसे जॉब लेना है, उसका यहाँ पे कल्चर कैसा होता है, वो सारे वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रेस आइकन, बेल आइकन होता है वहीं पे पास में, उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे। हम लोग ऐसे ही सीखते हैं गाइज मिलके, जैसे कि मैं अभी मेरी स्टोरी आपको बता रहा हूँ, वैसे हम मिलके सब कुछ सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे हम अचीव कर सकते हैं। तो गाइज उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वो जॉब, एक सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब बोलते वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने, मेरी वाइफ थी वो भी यहाँ पे आ गई। उसके बाद लाइफ कुछ चेंज होने लगी, क्योंकि जैसे कि हमारा फैमिली सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो फीलिंग आने लगी। अपनी वाइफ साथ में होती है, अच्छा खाना हम खाते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है। तो उसके बाद गाइज मैंने क्या किया कि मेरा 2 साल का जो प्रोग्राम था हम्बर से, वो मेरा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद ये कोविड का चक्कर आ गया, तो मेरा लास्ट सेमेस्टर जो था वो पूरा मैंने ऑनलाइन ही किया था। उसके बाद मैंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया, वर्क परमिट भी मेरी आ गई। उसके बाद गाइज मुझे टेंशन एक माइंड में था कि मुझे कुछ भी करके बस नॉक बी लेवल की जॉब लेना है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड था मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, तो मुझे उसी फील्ड में जॉब लेना था। तो मैंने सोचा कि ये तो भाई बहुत ही टफ है, फिर भी मुझे लगा कि नॉक बी की जॉब के बिना तो इधर कुछ होने वाला नहीं है। तो मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया और एक मंथ जैसा हो चुका था अप्लाई करते करते, फिर मुझे इंडिया जाना था, क्योंकि भाई का मैरिज था, वो सब चक्कर था, तो मुझे इंडिया जाना ही जाना था। तो ये कोविड का चक्कर चल रहा था, पता ही नहीं था कि कब लॉकडाउन आ जाए, क्या हो जाए। फिर भी गाइज मैंने रिस्क लेके मैं इंडिया गया। शादी भी थी और मेरा एक मेरे फादर जैसे बोल सकते हो, वो बीमार भी थे तो उनको मिलना भी जाना था। तो ये सारा चक्कर था, तो तभी मैंने इंडिया जाना था तो इंडिया गया, इंडिया जाके वापस भी आ गया। और उसके बाद मुझे होटल क्वारंटाइन किया गया था 3 डेज के लिए, गवर्नमेंट ऑथोराइज जो होटल होती है उसमें मैं 3 दिन के लिए गाइज रहा। उसके बाद मुझे क्वारंटाइन भी करना था 14 डेज के लिए। तब मैंने गाइज वो 14 डेज का मैंने बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया। मैंने कंपनी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया इंडीड के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। तब मैंने मेघना कारमैक्स जो कंपनी है उस पर एक एजेंसी के थ्रू मेरा हायरिंग हो गया वहाँ पे मेघना कारमैक्स में एज अ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, जो नॉक बी लेवल की जॉब जिसको बोलते हैं, उसमें मेरा एक अच्छी तरह से प्लेसमेंट हो गया, कंपनी स्टार्ट हो गई। मुझे लगा कि अब पीआर का कोई चक्कर नहीं है, मेरा पीआर पक्का है क्योंकि नॉक बी की जॉब हो गई। उसके बाद गाइज मुझे आईएलटीएस क्लियर करना था, तो मैं सोच ही रहा था कि उसकी डेट ले लूँ। उसके बाद ये नया प्रोग्राम TR2PR, जिसमें सबको 90,000 पीपल को वो लोग PR दे रहे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने अपनी IELTS भी बुक करवा दिए। अब वेट कर रहा हूँ, 30 मई को मेरी IELTS की नेक्स्ट एग्ज़ाम है, तो उसमें देखते हैं कि मेरा स्कोर कितना बनता है। उसके बाद गाइज हम जो 90,000 का जो स्कोर है उसमें मेरा एडमिशन होता है कि नहीं होता है। तो गाइज ये थी मेरी पूरी स्टोरी। अब आपको मैं आपको
कुछ रियल बातें बताना चाहता हूँ, कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो गाइस सबसे पहली बात कि आप अगर कनाडा आप पैसे के लिए आना चाहते हो तो, या फिर आप अच्छी लाइफ के लिए आना चाहते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए आना चाहते हो, ये सारी चीज़ें लेकर अगर आप कनाडा आ रहे हो तो आपको कनाडा जैसा कोई कंट्री आपको नहीं मिलेगा। आपको अच्छी लाइफ मिलेगी, अच्छी स्टेबल इनकम आप गेन कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बट स्टार्टिंग के डेज में गाइज आपको थोड़ी फैमिली की आपको याद आएगी, वो सारी चीज़ें आपको होगी, लेकिन तब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। और आपको अपने कैरियर के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको अच्छा लगेगा, और थोड़े टाइम के बाद आप कनाडा में अच्छी तरह से सेट हो जाओगे। तो गाइज यही था आज का ये वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो डायरेक्टली, तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं आपको पर्सनली मैसेज करूंगा और आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपसे शेयर करूंगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी है, वहीं पर भी आप उनसे बात कर सकते हैं। तो गाइज ये था आज का एक शॉर्ट वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक बटन प्रेस करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपसे मैं शेयर करता रहूँगा जो 100% ट्रूथ होगा, और मैं जो भी होगा वो सच्चाई आपके सामने रखूँगा। इस चैनल का एक ही एम है कि आपकी हेल्प करना, उसके अलावा इस चैनल का कोई एम नहीं है। चलिए मिलते हैं गाइज, और गाइज कोविड के टाइम पे बहुत ही ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का। बाय बाय, धन्यवाद।